नमस्कार, मैं पर्वत सोलंकी, स्पेशल रिपोर्टर तेलंगाना। आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। तेलंगाना हैदराबाद की पावन भूमि मेडचल जिला के कीसरा मंडल स्थित नागरम धमईगुड़ा की ताजा स्थिति से आपको मैं अवगत कराते हुए, देश में कोरोना रूपी राक्षस से जंग के तहत पॉजिटिव केसेज 1 लाख के पार, करीब 1,500 के करीब 3,200 लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा है, जबकि कुछ एक ठीक भी हुए हैं। आज देश में कोरोना महामारी के जंग हेतु चौथा 14 दिवसीय लॉकडाउन 31 मई तक के लिए 18 मई से चालू हो चुका है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की गाइडलाइन बताते हुए चौथे लॉकडाउन में राज्यों को कुछ ज़्यादा ही अधिकार दे दिए हैं। उन्हीं का प्रयोग करते हुए तेलंगाना के सीएम केसीआर ने कोरोना रूपी जंग में तेलंगाना वासियों को कुछ ज़्यादा ही रियायत दे दी है, लेकिन लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करा तो ही ये छूट संभव होगी। अगर सामाजिक दूरी, मास्क न पहनना व नियमों का पालन नहीं करा तो पुनः शक्ति से तेलंगाना में लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। आज लॉकडाउन के दूसरे दिन आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के साथ साथ गिरवी की दुकानें, कपड़े, नाई, स्टील, गुटके, सिगरेट के साथ ढाबा, रेस्टोरेंट्स व आइसक्रीम की दुकानों पर होम डिलीवरी की सुविधा दी गई है। हालांकि केसीआर के लॉकडाउन के जिस तरह से नियमों में छूट दी गई है, उसका आज सभी तेलंगाना वासी बहुत ही सख्ती से सामाजिक दूरी बनाते हुए नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक बैंकों के सामने आज भी नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। अगर इस तरह धज्जियाँ उड़ाई तो वो दिन दूर नहीं है कि हमें कोरोना रूपी राक्षस के जंग के तहत पुनः लॉकडाउन का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि देश में अन्य राज्यों के मुकाबले हमें अधिक छूट दी गई है, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि अब हमें कोरोना रूपी राक्षस के साथ जीना सीखना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन खत्म होते ही घर के बाहर पुराने सदाबहार दिन लौट आए। हमें लॉकडाउन के माहौल में अपने आप को ढालना होगा, तभी जीवन संभव होगा। दूर से नमस्कार करना, पुनः घर में प्रवेश करते ही हाथ मुंह धोना, कपड़े बदलना, सैनिटाइजिंग करना, क्योंकि हमारे तेलंगाना मेडचल जिले में अभी भी हालत बेहतर नहीं है। हमें मिलकर इस कोरोना रूपी राक्षस के लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन होगा, क्योंकि केंद्र से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें 3 लॉकडाउनों में जीना सिखा दिया है, अब चौथे लॉकडाउन में हमें जीना सीखना होगा। वैसे भी पिछले लॉकडाउन में हमें जिस जिम्मेदारी से पालन करना था वो हम कर नहीं पाए। अन्य देशों के मुकाबले हालांकि आज भी हमारी स्थिति बेहतर है, लेकिन दिहाड़ी प्रवासी मजदूरों का पलायन चिंता का विषय। जिस रास्ते से वर्षों पहले प्रवासी मजदूर अपनी जन्मभूमि से हजारों मील चंद घंटों में यहां आकर अपनी जीविका का पालन कर रहे थे, वे इस महामारी काल में उसी कर्म भूमि से बेआबरू होकर भूखे पेट चिलचिलाए धूप में हजारों किलोमीटर का रास्ता पैदल ही नापते हुए चल दिए। हालांकि हर राज्य सरकारों का इसका मलाल जरूर होगा, शायद हमें उन अर्थव्यवस्थाओं के कर्णदाताओं का पूरी ईमानदारी से पालन नहीं करा। खैर, अब हमें बचे कुछ साधनों से अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा, तभी हम इस कोरोना रूपी राक्षस की जंग से हम बच पाएंगे। कैमरामैन आलोक के साथ मैं पर्वत सोलंकी, नव भारत समाचार, हैदराबाद से।